बनते में ढह गइल नदी बीच बह गइल संगे संगे रुपया पैसा कुल भ्रष्टाचार के बाभेट चढ़ल गंगा जी के पुल बेईमानी के बाभेट चढ़ल गंगा जी के पुल 2014 नीतीश चाचा कैले शिलान्यास हो शुरू होके से ही पहले भइल सत्यानाश हो काम भइल ओल झोल खुल गइल सबके पोल 1700 करोड़ होई गईले पिजुल घूसखोरी के बाभेट चढ़ल गंगा जी के पुल भ्रष्टाचार के बाभेट चढ़ल गंगा जी के पुल। भागलपुर का पुल गिरने पर बिहार के सभी भ्रष्टाचारियों को एकदम दिल के गहराई से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। का चाचा खुश है ना आप? बताइए। आई पुल का कंडीशन देख के हमको एक बात याद आ रहा है कि ऊपर से गिरल बम तो नीचे भाला का करी, अब हर गांव चोर तो चार गो हाला का करी। ऊपर से लेके नीचे तक सब भ्रष्ट बैठल है, पुल गिरबे ना करेगा हो? यही से ना गिर जा रहा है भाई। अच्छा तुमको क्या लगता है पुलवा कैसे गिरा होगा? यही से गिर जा रहा है कि मान लो जो मटेरियल पुल में लगाना है वो मटेरियल पॉकेट में लग जा रहा है। हाँ हाँ, जैसे कि मान लो कि 10 बोरा सीमेंट डालना है तो 6 बोरा घरे पहुंच जा रहा है, 4 बोरा में काम करना है। 6 बोरा घर के क्या करेगा जी? घर जाके अपना घर बनेगा। अच्छा, विधायक जी सांसद जी को कमीशन भी देना है। भी देना अच्छा, है। हाँ सही बात कर रहे हैं। 5 लाख का काम होगा तो 3 लाख घर ही चलेगा विधायक के या सांसद के। 3.5 समझो, 4.5 भी हो जाएगा। डेढ़ एक डेढ़ में बनाना है तो कौनो कंपनी वाला अपना घर के गहना खेत बेच के नहीं ना पुल बनाएगा। मजबूरी है, क्या करिएगा। लेकिन गिर गया। हाँ अरे वीडियो देख लो, देखो अब देखो ना, नीतीश चाचा कह रहे हैं कि इसका एकदम कड़ा तरीका से जांच होगा। केकरा पर जांच कराइएगा चाचा? आपने ऊपर भी कोई जांच कराइए चाचा। काम गड़बड़ा जाएगा चाचा। खैर कौनो बात ना है। छोड़ो है, आदत है बिहार हम लोग सहने वाला है। लेकिन भाई एगो बात जानो, पुल के गिरने जानते हो का डर लग रहा है? कि अब कोनो पुलो पार करे में डर लगेगा। लगबे करेगा। अब बिहार कौन जाएगा पुल पास करने? जानते हो है जो 1700 करोड़ खर्चा किया है ना, इससे अच्छा होता 1700 का बांस लेके टाटरी बनवा दे। महीने 2 महीने में खोलवा दे, जब बारह का सीजन आएगा। सीजन आएगा तो फायदा है। मालू टूट गया, न्यूजो नहीं बनेगा। न्यूजो नहीं बनेगा, बेइज्जती नहीं होगी बिहार के, बेइज्जती नहीं। अब हताना बोर्ड बना के गिराइएगा तो बेइज्जती होगा ना। बाकी चाचा देखिए, पुल तो गिर गया है, ये सच्चाई बात है। हम लोग भाई, हम आपके जनता हैं तो हम सवाल पूछबे करेंगे। देखिएगा, प्लीज एनएसए मत लगवाइएगा। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ना ना, नेता सिक्योरिटी एक्ट। नेता खतरा हो जाए में आएगा तो एनएसए लगा दिया, इसलिए एनएसए मत लगाइएगा, नेता सिक्योरिटी एक्ट। चलते हैं। जय हिंद। ठीक है।